नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पहले 3 वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में ऐसे बिंदुओं को समझने का प्रयास किया था जहाँ पर एग्जामिनर हमसे गलती कराने का प्रयास करता है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति के सहयोग, राष्ट्रपति के सहयोग एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। देखिए, आर्टिकल 74 में पहली जो लाइन लिखी है कि राष्ट्रपति के सहयोग एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब इस लाइन के पढ़ने के साथ मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री कौन होता है? वह सरकार का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसी आर्टिकल के आधार पर अपना उत्तर देंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक, अब बात करते हैं इस पे आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग के समय, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति जो कार्य करेगा, आर्टिकल 74 के अनुसार ये कहा गया कि वो मंत्रिपरिषद जो उसको सलाह देगी उस सलाह के आधार पर कार्य करेगा। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ऐसी सलाह राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ऐसी सलाह जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह पर कार्य करेगा ही करेगा, या वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या वह कई बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसका आंसर आपको देना है, किस प्रकार देना है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल की दी गई सलाह को राष्ट्रपति क्या है, मानने के लिए बाध्य है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कई बार भेज सकता है, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देते समय आप ध्यान रखेंगे शब्द लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे।
तो आपने उत्तर दिया होगा कि एक बार क्या हो सकता है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या भारतीय संविधान में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा गया है। तो जी, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1976 में। और यहां पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है, वह उसको मानेगा ही मानेगा। यहां पर उसके लिए क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 1978 में। और यहां पर इस चीज को बदल दिया गया और कहा गया कि वह क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। जो भी मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगा, उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और उसके बाद वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी। तो ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, परंतु वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यह बात आप याद रखेंगे कि संविधान में यह बात लिखी गई है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 75 की। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। क्या होगा? राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को नियुक्त करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं कि नियुक्त किए जाते हैं। तो आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, सलाह पर करेंगे। यानी कि जो दूसरे अन्य मंत्री नियुक्त होंगे, वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होंगे, नियुक्त होंगे। उन्हें भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करेंगे या उनका चुनाव नहीं होगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं अगर कि प्रधान संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की योग्यताएं हैं, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होना चाहिए? वह संसद का अनिवार्य सदस्य होना चाहिए उसे, या उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, या उसे राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, या फिर उसे बहुमत दल का नेता। या आप इसमें एक ऑप्शन और कर सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन को आप हटा लीजिए। थर्ड ऑप्शन में कह लीजिए संविधान मौन है। ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होगी, यह लिखा हुआ है। पर यह नहीं लिखा गया है कहीं पर भारतीय संविधान में कि प्राइम मिनिस्टर की योग्यताएं क्या होंगी। अर्थात प्राइम मिनिस्टर की योग्यताओं के संबंध में जो भारत का संविधान है वह मौन है।
अगर आप 75 देखते हैं तो यह जरूर कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री की योग्यताओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या कहता है वो कि नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में बात नहीं की गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। और कुछ बातें हैं, जैसे मैं कहूं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहे हैं, अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति नहीं करते? मंत्रियों के संबंध में ऐसा कौन सा कार्य है, इसके संबंध में मंत्रियों के संबंध में ऐसा कौन सा कार्य है जो राष्ट्रपति नहीं करते? राष्ट्रपति नहीं करते, पहला उनको शपथ नहीं दिलाते, या विभागों का बंटवारा नहीं करते, विभागों का बंटवारा, थर्ड विभागों के बंटवारों के संबंध में कार्य, विभाग बंटवारों के कार्य नियम नहीं बनाते, या फिर उनका इस्तीफा नहीं लेते। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उनका इस्तीफा अगर कोई मंत्री देता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही देता है, और जो विभाग में कार्य के बंटवारे के नियम हैं वे भी राष्ट्रपति बनाते हैं। विभागों का जो बंटवारा होता है वह कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। विभागों के बंटवारे कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिला देते हैं, लेकिन उनमें कौन सा विभाग उनको मिलेगा ये कौन तय करता है? यह प्रधानमंत्री तय करते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि विभागों के बंटवारों के जो कार्य नियम हैं वो राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री नहीं करते। अब बात आती है एक शपथ की। देखिए शपथ, प्रश्न ये बनता है कि क्या संविधान में शपथ का वर्णन किया गया है? तो मंत्रियों के जो शपथ है वो अनुसूची 3 में बताई गई है। यहां पर क्या बताया गया? अनुसूची 3 में बताया गया है। और क्या अनुसूची 3 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख है? तो इस बात को याद रखिएगा कि अनुसूची 3 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री वही शपथ लेते हैं जो मंत्री शपथ लेते हैं। जो मंत्रियों की शपथ जो है उसी शपथ को कौन लेता है? इसी शपथ को प्रधानमंत्री भी लेते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग शपथ नहीं है, मंत्रियों की शपथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। और कौन सी शपथ रहती है? वो रहती है पद एवं गोपनीयता की शपथ और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। तो संविधान के प्रति निष्ठा और पद और गोपनीयता की शपथ मंत्री भी लेते हैं और प्रधानमंत्री भी लेते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई अन्य शपथ का उल्लेख नहीं है, और ये कहां पर उल्लेख किया गया है? अनुसूची 3 में ही इस शपथ का उल्लेख किया गया है। अब देखिए एक प्रश्न बनता है कि जो मंत्रियों की संख्या होती है, कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने मंत्री हो सकते हैं अगर मैं पूछूं आपसे, तो 15% हो सकते हैं। आप कहेंगे कि 15% मंत्री हो सकते हैं। देखिए हुआ क्या कि एक बनाया गया संविधान समीक्षा आयोग एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया संविधान की समीक्षा के लिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2003 में दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। यह 15% किसका? संसद के कुल सदस्यों का या फिर
संसद के निर्वाचित सदस्यों का, संसद के निर्वाचित सदस्यों का, या फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, या फिर लोकसभा के कुल सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का। जो ये संविधान में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, कि लोकसभा के कुल सदस्यों का, संसद के निर्वाचित सदस्यों का, या संसद के कुल सदस्यों का, ये 15% किसका 15% होगा? आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे। संविधान में जो भाषा यूज की गई है उसके अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लोकसभा के कुल सदस्यों का। तो आप यहां टिक करेंगे लोकसभा के कुल सदस्यों का, संसद के कुल सदस्यों का नहीं, नहीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदस्यों का। और वो कौन से कुल सदस्य? वो आप ये नहीं कहेंगे कि अभी 552 सदस्य हो सकते थे, फिर दो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए तो 550 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, पर वर्तमान में कितने हैं? 543। तो इसी 543 अभी कुल सदस्य ही इतने हैं, तो 543 सदस्य यानी कुल सदस्यों का क्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। अब ये न्यूनतम की जो बात है, कम से कम कितने सदस्य होंगे, केंद्र के संबंध में इस न्यूनतम की बात नहीं की गई है, ये कम से कम कितने मंत्री होंगे। देखिए यह नियम 15% का नियम राज्यों के ऊपर भी लागू होता है, और राज्यों में भी जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनसे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या। इस मंत्रियों में प्रधानमंत्री को शामिल करके माना जाता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार में न्यूनतम की बात नहीं की गई है, लेकिन राज्य में बात की गई है, और राज्य में न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री होंगे ही होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि राज्यों में न्यूनतम मंत्रियों की बात की गई है, पर केंद्र में न्यूनतम मंत्रियों की बात नहीं की गई है। अब यहां एक बात आ रही है मंत्रिपरिषद। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 तरह के मंत्री आते हैं। पहला मंत्री, जिनको बोलते हैं हम कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे तरीके के मंत्री आते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे आते हैं उपमंत्री। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं पूछा जाए तो 3 तरीके के मंत्री होते हैं। इनका स्तर पूछा गया, मंत्रियों का स्तर कितना होता है तो 4 होता है। क्यों? क्योंकि राज्य मंत्री 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्वतंत्र प्रभार, इनको अपने विभाग को स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनके सहयोग के लिए, इनके साथ काम करने वाले मंत्री हो सकते हैं जो कि राज्य मंत्री के रूप में होंगे, होंगे राज्य मंत्री ही लेकिन कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए होंगे, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो सकते हैं, उनके पास अपना स्वतंत्र रूप से विभाग होगा। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मंत्रियों का स्तर कितना होता है? 4 प्रकार के स्तर होते हैं। अब एक बात आती है, आपने सुना है मंत्रिमंडल शब्द, मंत्रिमंडल। तो क्या इस मंत्रिमंडल शब्द का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख किया गया है? हां या नहीं, मैं आप उत्तर देंगे यस और नो। क्या मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है? तो हां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द पहली बार यूज किया गया है वहां पर, कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्या मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है कि कौन होगा मंत्रिमंडल में? तो इसका जवाब भी है हां, आर्टिकल 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है। अब आप बताएंगे कौन होगा मंत्रिमंडल में? केवल
कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल जो हम कह रहे हैं उसमें कौन होगा, केवल कैबिनेट मंत्री होंगे, कि कैबिनेट मंत्री और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होंगे, या फिर कैबिनेट मंत्री प्राइम मिनिस्टर मतलब ऑप्शन टू प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसके अंतर्गत आएंगे, या फिर पूरे मंत्रिपरिषद को ही अन्य रूप में अन्य नाम से मंत्रिमंडल कहा जाता है। आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे देंगे। तो देखिए आर्टिकल 352 में ही ये बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे हम, मंत्रिमंडल कहेंगे, और इसी मंत्रिमंडल सभी कैबिनेट मंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आप इस बात का भी याद रखेंगे। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव ये कौन होते हैं? देखिए मंत्रियों के सहयोग के लिए अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है। इन्हें नियुक्त कौन करता है? इन्हें नियुक्त किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से। पीएम ही इनको क्या नियुक्त करते हैं। जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं वो प्राइम क्या होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं। इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाएंगे और इनके इस्तीफा भी ये किसको देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे। इन्हें सुविधाओं मंत्रियों की तरह मिलती है, पर ये राष्ट्रपति के समक्ष ना ही शपथ लेते हैं और ना ही राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। तो संसदीय सचिव को, इसको भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है कि जो मंत्री होंगे, जो भी मंत्री हैं, वे लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो वह भी राज्यसभा में जाकर अपनी बात रख सकता है, और अगर वह मंत्री है तो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा में अपनी बात रख सकता है। आप याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। अब अगर वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में रह सकता है। लोकसभा का सदस्य भी अगर मंत्री है तो राज्यसभा में जाकर अपनी बातें रख सकता है, और राज्यसभा का अगर सदस्य है वह तो वह लोकसभा में अपनी बात रह सकता है। यह बात लिखी गई है कहां, आर्टिकल 88 में, कि यह मंत्री किसी भी सदन में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मत कहां देंगे, अगर कोई वोट करने की बारी आई तो जिस सदन के वे सदस्य हैं, जहां के सदन है, जिस सदन के वे सदस्य हैं वहीं वोट दे सकते हैं, लेकिन अपनी बात दोनों जगह रख सकते हैं। और साथ में ही इसी आर्टिकल ने बताया गया है कि जो भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, वह भी क्या कर सकता है, सदस्य ना होकर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अपनी बात रख सकता है, पर उसको मत देने का अधिकार किसी भी सदन में नहीं होगा, क्योंकि वह सदस्य नहीं है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद संबंध में। दो चीजें और हैं। एक होता है आपका किचन कैबिनेट। यह शब्द काफी प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल या परिषद मंत्री परिषद के साथ चर्चा ना करके कुछ अपने प्रमुख लोगों के साथ निर्णय लेकर कार्य करते हैं, इस कारण यह शब्द प्रसिद्ध हुआ है। किचन कैबिनेट का अर्थ यही है कि प्रधानमंत्री अपने कुछ विशिष्ट मंत्री अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक निर्णय लेते हैं। यह समूह बहुत छोटा समूह होता है और इस छोटे समूह को ही क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो इस किचन कैबिनेट में यह नहीं कि मंत्री बस हों, केवल प्रधानमंत्री होंगे, कुछ मंत्री भी हो सकते हैं, कुछ उनके सलाहकार भी हो सकते हैं। तो यहां पर कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे प्लस मंत्री होंगे और उनके कुछ एडवाइजर होंगे, इनके माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं, और इनके सम्मेलन को क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। एक शब्द आपने सुना है और, छाया कैबिनेट।
भारत में इस तरीके का कैबिनेट नहीं पाया जाता, यह एक विपक्ष की पार्टी के माध्यम से बनाया गया मंत्रिमंडल होता है। कि जैसे अगर सरकार गिरती है तो विपक्षी पार्टी के कौन से सदस्य किस मंत्री के रूप में कार्य करेंगे, यानी सत्ता पक्ष की ओर से भी रक्षा मंत्री वित्त मंत्री होंगे और विपक्ष की ओर से जो रक्षा मंत्री विपक्ष में होंगे वित्त मंत्री होंगे उनके समूह को क्या कहा जाएगा, छाया कैबिनेट है यह। तो ये कुछ टर्म है जो आप मंत्रिपरिषद के संबंध में याद रखेंगे। हम इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।